हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.3, उसका क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि जिसमें हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो डिटर्मिनेंट का। ये बहुत देखने में बहुत सिंपल जाएगा, बट आगे जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो ये वैल्यू आपका चेंज होते जाता है। और पहले हम लोग जो यहाँ पर आज डिटरमिनेंट करने वाले हैं वो 2/2 का रहेगा। 2/2 का मतलब क्या होता है कि समझो ये मेरे पास वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू है 2 7, यहाँ पर 6 3, तो इसको 2/2 बोलते हैं। मतलब दो रो दो कॉलम रहेगा, तो 2/2 का हम डिटरमिनेंट देखेंगे। ये बहुत सिंपल पार्ट है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जब आप मूव करोगे तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है 3 4 2 5, फिर इसके सामने इक्वल टू का साइन, फिर आपको क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है ये साइड के नीचे वाले नंबर से। तो 5 × 3 करूँगा, फिर ब्रैकेट डालूंगा, फिर माइनस डालूंगा, फिर 4 × 2 करूंगा। ध्यान रखना ये नंबर को आपको बाद में चेकआउट करना है, पहले यहाँ से जाना है। अगर आप उसके इसको पहले करेंगे तो गलत हो जाएगा। 5 3 सा कितना होगा, 15 होगा, माइनस 4 2 सा कितना होगा, 8। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15 - 8 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। बस इतना ही करना है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, बहुत ही सिंपल था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रहेगा क्रेमर्स रूल, तो वो थोड़े लेंदी समझ जाने वाले, इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट का पार्ट। देखिए ये सारे सम्स का जो पार्ट है ये हमको क्रेमर्स में लगेगा, इसीलिए ये पहले है। जब मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या बोला, ये मॉड लिखने का, -1 2, फिर 7 और 4, इतना लिखा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन डालना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 4 × -1, ये आपका एक ब्रैकेट होगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर क्या होगा, 7 × 2। आप इसको 2 × 7 लिखेंगे तो भी चलेगा, 7 × 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर इक्वल टू का साइन, 4 1 का कितना 4 होगा, -4 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, 7 2 का कितना हो जाएगा, 14। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 14 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 18। तो मॉड -1 2 7 4 = 18, ये आपका क्या होएगा, फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। यहाँ पर है, फिर इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले मॉड लिखेंगे, 5 - 7, ये 3 आपका, ये 0, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 × 5 होगा, फिर माइनस होगा, फिर 3 × -7 होगा, तो 0 × 5 = 0 हो जाता है, फिर माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 7 × 3 = 21, तो इसका आंसर आपको कितना आएगा, 21। तो मॉड 5 - 7 = 3 0 = 21। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये फ्रैक्शन है, तो इसमें आपको सिंपल वैल्यू है, इसमें फ्रैक्शंस भी आ सकता है, डेसिमल्स भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, तो आपको उस टाइम के सम्स भी प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम सेट में है, तो जब ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद मैं प्रॉब्लम सेट पर मूव करूँगा, तो वहाँ के भी क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, तो पहले आप क्या डालेंगे, मॉड पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7/3, ये हो जाएगा आपका 5/3, ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये होगा 1/2। फिर आपको यहाँ पर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 7/3, मतलब ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन 1/2, फिर माइनस आएगा ये एक ब्रैकेट में, फिर 5/3 × 3/2। अब इसे सॉल्व आउट करो तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, माइनस 5 × 3 = 15, अपॉन 3 × 2 = 6। सॉल्व आउट करोगे तो 7 - 15 / 6 आएगा, मतलब -8/6 आएगा। सॉल्व आउट करूँगा तो -4/3 आ जाएगा। तो ये मेरा मॉड का वैल्यू 7/3, 3/2, 5/3 और 1/2 का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।